सो गुड मॉर्निंग, अभी चाय वाय पी रहे, बस यहाँ पे चाय अवेलेबल है और बेस्ट पार्ट ये है कि इनका एक किचन है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद पकाऊंगा कुछ खाना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यही बना देंगे, ब्रेड और बनाना वही खा लूँगा और उसके साथ चाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंबोडिया। तो आज कंबोडिया में मेरा 6th डे है और अभी मैं जा रहा हूँ एक टेम्पल विजिट करने के लिए। हज़ारों साल पुराना टेम्पल है, टेम्पल का नाम है अंकोर वट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। चलते हैं वहाँ पे, मेरा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। और उसका जो टिकट है ना, वो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था कल, एक बार दिखाया था उन्होंने वेबसाइट। तो ये गवर्नमेंट का साइट है angkorenterprise.gov.kh, यहाँ पे बाई टिकट का ऑप्शन है, वो देने से आपको समझ में आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अंकोर वर्ल्ड हेरिटेज, यहाँ पे जाने से आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, बस ये प्रोसेस को फॉलो करना है और लास्ट में जाके पेमेंट करना है $37। ठीक है, वो बहुत ही महंगा है टिकट, कुछ ऐसा दिखता है, मेरा फोटो यहाँ पे प्रिंट किया हुआ होगा और कौन सा डेट मैं जाना चाहता हूँ वो यहाँ पे प्रिंट किया होगा, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर मैं किसी भी दिन जा सकता हूँ और बस यही है। मैंने एंट्री ले लिया है, बाइक वगैरह पार्क कर दिया बाहर, तो वहाँ पे पार्क करके अभी वॉक करके जाना पड़ रहा है टेंपल के अंदर। और टिकट का जो प्राइस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, $37, मतलब ऑलमोस्ट तीन हज़ार रुपये बस इसका एंट्री फी है। लेकिन क्या करें, कल बहुत सोचा मैं कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो बाद में बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार चलो आ ही जाते, कंबोडिया में आए हैं और ये कंबोडिया का सबसे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वो ये है, और दुनिया का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल में से ये टेंपल का नाम आता है। कल विकिपीडिया में देख रहा था मैं, अंकोर वट जो टेंपल है ये 2nd लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है वर्ल्ड में। पहला लार्जेस्ट जो है टेंपल है वो नेपाल में है और 2nd लार्जेस्ट कंबोडिया में है। तो सोचा कि यार चलो आते हैं, एक बार विजिट कर ही लेते हैं। जब से मैं इस इंडो चाइना राइड पर हूँ और जहाँ पे भी टेंपल विजिट किया मैंने, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, ये नाम मैंने ज़रूर बोला होगा, खमेर किंगडम। ये जो टेंपल है अंकोर वट, उसी किंगडम का राजा द्वारा बनाया गया है। तो ये बना है हज़ारों साल पहले, 12th सेंचुरी में बनाया गया ये टेंपल है, और उस टाइम जो राजा थे वो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, और ये जो पूरा टेंपल है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करके बनाया गया है। कंबोडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है खमेर लैंग्वेज, और माना जाता है कि संस्कृत और पाली लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर ये लैंग्वेज बना है खमेर लैंग्वेज, और आज भी ये कंबोडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे सब बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। सो आज का वीडियो में ये कैप पहनने का रीज़न ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है, मैं आया हूँ दोपहर के टाइम पे, और ये अगर मैं हटा देता हूँ पूरा धूप आके मेरा सर पे चेहरे पे लगेगा, तो उससे बेस्ट ऑप्शन है कि ये कैप ले लूँ। और ये कैप ख़रीदा मैंने $1 से, थोड़ी देर पहले बाहर से लिया मैंने। मैं फ़िलहाल पानी के ऊपर हूँ और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया गया है, ये कोई टाइल्स नहीं है, ये फ्लोटिंग ब्रिज बोल सकते हैं हम लोग, पानी के ऊपर पूरा बनाया गया। असली जो ब्रिज है वो है उधर वो साइड पे, लेकिन उसमें शायद कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसका वजह से ये ब्रिज को बनाया गया। इतना महंगा होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो कंबोडिया गवर्नमेंट का बोल सकते हो कि ये वन ऑफ द मेन सोर्स इनकम का। जब हम लोग वहाँ पे गेट में एंट्री लेते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है अंकोर के बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये खमेर एम्पायर का कैपिटल था 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी था 15th सेंचुरी में। और अगला लाइन पे लिखते हैं अंकोर जो है ये अभी एक बुद्धिस्ट लोगों के लिए वर्शिप करने का जगह है। तो मेरा बात यह है, ये एक पहले हिंदू टेम्पल था ये सबको पता है, तो वो हिंदू जो वर्ड है ना वहाँ पे मिसिंग है, अगर वो वर्ड घुसा देते तो पता नहीं इनका क्या लॉस हो जाता। कैसा दिखता है बाहर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो है ये मेन टेंपल नहीं है, मेन टेंपल अंदर में, वहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे। ये टेंपल का चारों तरफ में पानी है, जो पानी देख रहे हो आप, सिर्फ सामने में नहीं है, ये टेंपल के चारों तरफ है, और 1.5 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ है इसका। ये पूरा आर्टिफिशियली बना हुआ है और काफ़ी डीप है ये एक्चुअली ऐसे बनाया गया है क्योंकि कोई अगर आक्रमण करने आए तो पानी क्रॉस करके उसको आना पड़ेगा ये टेंपल के अंदर, एक ही रास्ता रखा गया है, कोई ट्रूप अगर एक ही रास्ते से आ रहे तो उसे रोका जा सकता है, चारों तरफ से एक साथ अटैक नहीं कर सकते, तो इसका वजह से ऐसे चारों तरफ से ऐसे किया गया है। मैं एक्चुअली फिलहाल वेस्ट पे हूँ, इसका शायद 4-5 गेट है, तो वेस्ट गेट पे एक 3 मीटर लंबा
विष्णु मूर्ति रखा हुआ है, 8 हाथ वाला विष्णु का मूर्ति, तो जिनको अभी भी पूजा किया जाता है, सिर्फ हिंदू नहीं, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती वगैरह लगा के जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिवलिंग था, लेकिन लोगों ने क्या किया, शिवलिंग को हटा के बुद्धा स्टेचू रख दिया। और ये सब देख के पता चल रहा है, जैसे ये जो बेस देख रहे हो आप, ये शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग का जैसे जो दूध या पानी डालते वो निकलता है, उसका जगह है ये। यहाँ पे देखो एक बुद्धा का स्टेचू रख दिया, नया नहीं है, बहुत पुराना ही होगा ये, फिर भी इससे पुराना नहीं है, ये दोनों सेम ज़माने का नहीं है, ये उस ज़माने का है जब ये टेम्पल बना था, ये बाद में जब बुद्धिस्ट धर्म फॉलो होने लगा उस टाइम ये शिवलिंग यहाँ से हटा के ये जगह पे बुद्धा स्टेचू रख दिया। आप लोग अगर सोच रहे हो कि एक दो जगह रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे और एक है, ये भी शिवलिंग का ही है जहाँ पे हटा के बुद्धा स्टेचू रख दिया गया। और दोनों को देख के ही समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग ज़माने में बना था। कितना सुंदर डिज़ाइन किया गया है दीवार में, कितना छोटा छोटा बारीकी से ये डिज़ाइन किया गया, नीचे भी है, फ्लावर्स है शायद, ये इतना छोटा 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 डिज़ाइन किया गया। दीवार के ऊपर भी वो साइड में देखो फ्लावर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। और दीवार का अगर बात करें तो लास्ट कुछ टेंपल्स में जिस टाइप का दीवार देखा था सिमिलर टाइप का है, जहाँ पे लास्ट टेंपल में मैंने बताया था इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ किया गया, वो यहाँ पे भी ऐसा किया गया, जैसे वो कॉर्नर में देखो, ठीक है, और ऊपर वाला कॉर्नर में भी, तो ये 4 कॉर्नर वाला ब्रिक्स नहीं है, 5-6 कॉर्नर्स है एक ब्रिक्स का। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है, नीचे शिवलिंग और ऊपर बुद्धा स्टेचू का, ये टूटा हुआ है पूरा। मैंने अभी अभी एक गाइड को पूछा, ठीक है, यहाँ पे पहले शिवलिंग था क्या, बोल रहे नहीं नहीं यहाँ पे शिवलिंग नहीं था, बहुत सीरियस हो गया वो, नहीं यहाँ पे शिवलिंग नहीं था, बुद्धा स्टेचू का बेस है, क्योंकि विष्णु का टेम्पल है तो यहाँ पे शिवलिंग कैसे हो सकता है, ये बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ डाउट, कैन यू क्लियर, वाज इट शिवलिंग बिफोर देयर और शिवलिंग? हाँ यस शिवलिंग, यू नहीं शिवलिंग, और दिस इज शिवलिंग, ओके ओके। सो टेस्ट करने के लिए मैंने और एक गाइड को पूछा, पहला वाला गाइड वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, अभी वाला गाइड को रिकॉर्ड किया, तो ये बोल रहा हाँ पहले ये शिवलिंग था और ऊपर जो है वो बुद्धा का स्टेचू रखा हुआ है। सर इज दिस लॉर्ड बुद्धा? ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अभी भी यहाँ पे लक्ष्मी और नारायण का पूजा होता है। यहाँ के जो लोकल्स है ये लोग लॉर्ड बुद्धा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण का भी पूजा करते हैं। पानी बोतल लिया मैंने, पानी लाया नहीं था, पानी बोतल का एक प्राइस बोल रहा है $1.80, वो छोटा वाला जो बोतल होता है, मैंने बोला ये छोटा वाला बोतल का $1, वो बोल रहा है हाँ ठीक है तुम बड़ा वाला एक बोतल ले लो तो $1 में दे दूँगा, तो ये बड़ा वाला बोतल दिया $1, ये भी महंगा है ₹80, बहुत महंगा कंट्री है भाई। अभी अभी एक छोटा सा स्कैम हो गया मेरे साथ मैंने इधर जो फोटोग्राफर बहुत सारे घूमते हैं उनको, उन्होंने बोला फ़ोटो खींच के देंगे, तो मैंने बोला ठीक है चलो यार एक फ़ोटो खींच लेते, एटलीस्ट उनका भी थोड़ा फ़ायदा होगा, मुझे भी एक फ़ोटो मिल जाएगा प्रिंटेड फ़ोटो, जितना भी कहो मोबाइल से जितना भी फ़ोटो खींच लो एक प्रिंटेड फ़ोटो का जो फील है वो अलग ही होता है, तो मैंने बोला चलो खींच दो, तो बाद में खींचने के बाद बोल रहे प्रिंट करके नहीं दे सकता, मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देगा $1 देना होगा, तो भाई कौन लेगा $1 में। ये अच्छा चीज़ है, यहाँ पे मम्मी ने कुछ फेंकने लायक चीज़ था टिश्यू पेपर वगैरह,
वो बच्चा को भेजे उतना दूर, जाओ जाके फेंक के आओ बोल के। तो ये बच्चा ने नीचे फेंक दिया था, तो मम्मी ने बच्चा से उठवाया, उठवा के बच्चा को भेजा उधर फेंकने के लिए। लोग ऐसे ड्रेस पहन के आते आई गेस टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए, फोटोशूट करने के लिए। ये जो है ये है अंगकोर वाट मेन टेम्पल, तो अभी ये टेम्पल के अंदर घुसते। तो ये है यहाँ का मेन टेंपल। सो इस टेंपल में भी बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति चारों तरफ बनाया गया है। सो ये जो पूरा दीवार में ये कुरुक्षेत्र का युद्ध को दिखाया गया है। एक साइड में है पांडवस और दूसरा साइड में है कौरव। तो महाभारत में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये साइड वाला उधर मुंह करके है, उस साइड पे मुंह है इसका, उसका सब उस साइड पे, ये जगह पे सब उस साइड पे मुंह किया हुआ है। कितना बड़ा टेंपल उस टाइम बनाया, इतना हजारों साल पहले इतना बड़ा टेंपल। और कहा जाता है कि जितना सारा पत्थर है वो 50 किलोमीटर दूर किसी एक पहाड़ से लाया गया पत्थर है। पत्थर यहाँ का नहीं है, पत्थरों को लाया गया है दूसरा किसी एक जगह से। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा शिवलिंग है, शिवलिंग तो नहीं है, शिवलिंग का जो बेस होता है वो है, जो वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया मैंने काफ़ी सारा जगह पे, लेकिन जो शिवलिंग है वो गायब है। एक्चुअली आप अंदर अगर आ रहे हो तो खाना पानी सब कुछ लेके आ जाना। मैं कोल्ड ड्रिंक्स और ये बिस्किट लेके आया था, वही खा रहा हूँ अभी बैठ के। यहाँ पे एक्चुअली शॉप है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, लूट जाओगे आप। तो बेस्ट ऑप्शन है कि बाहर से ही खाना लेके आ जाओ। अच्छा मैं लेके आया, नहीं तो अभी भूख लगा है मुझे, तो ये खा रहा हूँ मैं। और कहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ, मेरे सामने ही है अंगकोर वाट का जो मेन टेम्पल है वो। तो ये जो टेम्पल है ये टेम्पल बनाया है सूर्यवर्मन 2 ने। तो बाद में एक्चुअली ये टेम्पल धीरे धीरे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ के जो सारे लोग हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने लगे। हाँ बट एक्सपेंसिव इन इंडिया द प्राइस इज 1000 INR मीन्स इन कम्बोडियन 50,000 रियल। आई मीन इन इंडिया इट इज डॉलर $12 एंड यू कैन keep DSLR also here, like this DSLR, I'll show you. तो ये मेरा जो गोरिल्ला पॉट है ये पूछने के लिए आया था कि कितना रुपए है, पसंद आ गया गोरिल्ला पॉट देख के। तो मैंने इसका तरफ फीचर वगैरह दिखा दिया कि DSLR भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल भी कर सकते हो, मोबाइल को वर्टिकल भी रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, वो सब दिखा दिया। कंबोडिया का जो फ्लैग है उसमें यही अंगकोर वाट का पिक्चर लगा हुआ है फ्लैग में। ये देखो ये अंगकोर वाट का पिक्चर और ये फ्लैग। तो ये अंगकोर वाट भी कंबोडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये मेन टेंपल में चढ़ने का सीढ़ी, और देख सकते हो कितना स्टीफ है, मतलब हम लोग अभी इसे चढ़ने में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्टेप्स भी छोटा छोटा है, लंबा लंबा स्टेप्स है और उसके बाद स्टीव है बहुत। तो उस ज़माने में कैसे चढ़ते होंगे इसके ऊपर, सोचो। ऑसम ऑसम। दूर से जो 5 कॉर्नर जो दिख रहा था उसमें से 2 कॉर्नर यहाँ पे है। अभी पास आ गया हो तो पास में से एक साथ तो सब कॉर्नर दिखेगा नहीं, और एकदम फ्रंट में से 3 ही दिखता है, पीछे का जो 2 है वो छुप जाता है पीछे। ये एक कॉर्नर है,
ये एक कॉर्नर है, सिमिलरली दूसरा साइड का कॉर्नर में भी दो है और बीच में एक है लंबा वाला, ये बीच में नहीं है, इसके उधर है, ठीक है। ये तो गेट है ऐसे यहाँ पे चढ़ने के लिए, तो अभी चढ़ते हैं इसके ऊपर। ऑब्वियसली ये सब सीढ़ी तो नहीं होगा, दूसरा कुछ सीढ़ी होगा दूसरा साइड में। पूरा टेम्पल का हर एक पिलर में ऐसे अप्सराओं का मूर्ति है, ठीक है। यहाँ पे तीन है, वहाँ पे दो है, वहाँ पे दो है, उधर दो है, तो ये पूरा टेम्पल का दीवार में पिलर में स्पेशली ऐसे बनाया गया है। और यहाँ पे खमेर लैंग्वेज में तो लिखते ही है, उसके साथ साथ इंग्लिश में लिखते हैं, उसके साथ साथ पता नहीं क्यों चाइनीज़ में भी लिखते हैं। ये जितना सारा बोर्ड देखा सब में चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो शायद इसके अंदर से जा सकते हैं। हेलो, यस यस, कैन आई कीप इट हियर? आई विल कीप द बॉटल ऑल्सो। सो अभी हमको चढ़ना है ये टेम्पल के ऊपर। नॉर्मली टेम्पल का जो ओरिजिनल स्टेयर्स है वो ये है, ठीक है, और इंसानों के लिए, हमारे लिए ये बनाया गया है, क्योंकि इसमें चढ़ना नामुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हाइट देखो, हाइट 1 फीट जैसा होगा एक स्टेप का हाइट, और विड्थ जो है ये बहुत ही कम है। तो हाफ पैंट जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, हाफ पैंट पहन के आने से आप ऊपर नहीं जा सकते, तो ये लड़का को भगा रहे कि हाफ पैंट पहना है। सो मैं अभी टेंपल का एकदम ऊपर आ चुका हूँ, लोग इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, नीचे चढ़ना ही मुश्किल है भाई। चलो बढ़िया, अभी अंदर चलते हैं टेंपल का, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था मैं कि 5 स्तूपा है, स्तूपा नहीं क्या बोल सकते हैं, 5 पॉइंट है ये मंदिर के ऊपर, उसमें से ये जो है ये सेंटर वाला पॉइंट है, बहुत ही सुंदर। और स्तूपा के अलग अलग चारों तरफ बहुत छोटे छोटे चीज़ों का बहुत सारे मूर्ति बनाया गया है, हर एक कॉर्नर में ना कुछ कुछ मूर्ति रखा हुआ है। ये मूर्ति भाई कॉर्नर शेप का बनाया है, देखो कॉर्नर में है, इसलिए मूर्ति को काट के कॉर्नर शेप दिया गया है। मस्त, ऑसम। ये बनाने के टाइम इतना ऊपर कैसे उठाएंगे लोग, क्योंकि उस टाइम तो क्रेन भी नहीं होता होगा, है ना। अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये जगह बेस्ट लगा मुझे, बेस्ट, शायद टाइमिंग की वजह से भी सनसेट हो रहा है अभी, ऑसम है, बढ़िया, मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा टेम्पल ये कितने सालों में बनाया होगा, 1-2 साल का तो काम नहीं है ये, 20-25 साल 30 साल शायद लगा होगा ये पूरा टेम्पल बनाने में, शायद अलग अलग राजाओं के टाइम पर ये टेम्पल बना होगा, जैसे कि उधर प्रिय विहार में जैसे हुआ था। बढ़िया, ऑसम। सो हो गया भाई, अभी नीचे उतरना है, कैमरा बंद करता हूँ, धीरे 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 उतरना होगा मुझे, जैसे जैसे पकड़ पकड़ के उतर रहे हैं वैसे। मेन टेंपल के अंदर घुसने के बाद मुझे लगा कि वहाँ पे विष्णु भगवान का मूर्ति होगा, लेकिन जाके देखा कि वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है, आई गेस 4 लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति रखा हुआ है। जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे पहले एक्चुअली विष्णु का मूर्ति था, लेकिन बाद में जब ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ ये टेंपल यहाँ के लोग, उस टाइम शायद मेन अंदर जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया और वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति रख दिया। अंदर में एक रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा भी है, जिसका फोटो मैं ले नहीं पाया क्योंकि बहुत ही अंदर आए, उधर जाने नहीं दिया मुझे, पता नहीं क्यों। पूरा टेंपल में जहाँ पे भी जिधर भी देखो छोटा छोटा कार्विंग से बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति है, फिर फ्लावर
रखा गया है, अप्सराओं का मूर्ति बनाया गया है पूरा टेंपल में, पूरा दीवार में। ये नीचे से स्टार्ट हुआ है पूरा एकदम ऊपर तक। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी तैयार होके आए हैं कुछ वीडियो वगैरह फोटोशूट के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा एक बुद्धा देव का मूर्ति और नीचे शिवलिंग का जो बेस है उसके ऊपर ये रखा हुआ है। और यहाँ पे पूजा वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं। सर इज दिस लॉर्ड बुद्धा स्टैचू? लॉर्ड बुद्धा ना। ओके ओके, तो मैं बस श्योर होने के लिए पूछा कि ये लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ। और ये शायद उस ज़माने का तालाब है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा है ये टेंपल के अंदर, शायद तालाब है, मैं गेस कर रहा हूँ। सो अभी एक्चुअली शाम के हो रहे हैं 5 और बाहर निकलने का वक्त हो गया है, तो सिक्योरिटी गार्ड सबको भगा रहे, निकलो निकलो। लोग यहाँ पे सनराइज़ टूर पे आते हैं, सनसेट टूर पे आते हैं। सनराइज़ टूर बहुत फेमस माना जाता है क्योंकि सनराइज़ जो होता है वो माना जाता है कि कंबोडिया का सबसे सुंदर सनराइज़ होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। सो सनराइज़ पे नहीं आया मैं, सनसेट पे आया हूँ मैं। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से सनसेट। वन डे टूर करते हैं, 2 डे करते हैं, 7 डेज़ टूर भी होता है, तो वहाँ पे टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है उसका, और ज़्यादा होता है। और 7 डे टूर में क्या होता है, बहुत हिस्ट्री लवर होता है, ठीक है, वो लोग बारीकी से आके देखते हैं ये सब चीज़ें, उनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो उनके लिए अलग से टिकट बना हुआ है। 3 दिन आएंगे ये टेंपल विज़िट करने, 7 दिन आएंगे टेंपल विज़िट करने, तो अलग अलग टूर है। जैसे कि मुझे अभी लग रहा है कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए था, और एटलीस्ट 1 घंटा चाहिए था मुझे ये अंदर का चीज़ें अच्छे से देखने के लिए, लेकिन अभी टाइम हो गया शाम के 5:30 हो रहा है। जैसे ही 5 बजता है अंदर में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो लोग भगाना शुरू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो। तो हरभरी में लास्ट का जो पार्ट है वो सब हरभरी में कवर किया, ठीक से देख नहीं पाया, जो बुद्धा मूर्ति वगैरह अंदर है वो सब देख नहीं पाया। सो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतना महंगा टिकट प्राइस दे के आके भी मुझे सही लगा, मतलब बुरा नहीं लग रहा मुझे। मेरा होम स्टे जाने का टाइम है, तो चलते यहाँ से 12 किलोमीटर है बस, अभी वॉक करना होगा मुझे, आज बहुत वॉक कर लिया मैंने। और ये टेंपल अगर आ रहे हो, अगर पूरा टेंपल देखना है तो ऐसे ही पूरा वॉक करना होगा, और पूरा टेंपल अगर अच्छे से देखना है तो 1 दिन का टाइम लेके आना, ठीक है, खाना पीना साथ लेके आना, तो वो सही रहेगा। ये टोपी का पता नहीं क्या करूँगा मैं, बैग के अंदर भी घुसा नहीं पाऊँगा, यहाँ पे किसी को देख के चला जाऊँगा, टोपी पहना के जाऊँगा। हज़ारों साल पहले इतना बड़ा टेंपल बनाने में कितना साल लगा होगा और कैसे बनाया होगा, और जितना सारा पत्थर है वो 50 माइल दूर किसी एक पहाड़ से, पहाड़ को काट के लाया गया है यहाँ पे। और इवन ये जो लेक है, ये लेक भी मैन मेड है, 15 से 25 फीट डीप है ये, और उस ज़माने में इतना डीप लेक बनाना, वो भी चारों तरफ ये टेंपल का, ये बहुत ही बड़ा बात है। एक सवाल है मेरा वीडियो का एंड में, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, इधर आई बटन पर ऐड कर दिया मैंने। मैं वियतनाम में जब गया था वहाँ पे भी एक टेंपल विजिट किया था मैंने, माइसोन टेंपल। वो जो टेंपल है उस पर जैसे शिवलिंग वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, वो टेंपल के अंदर उस टाइम जैसा था अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये जो टेंपल है, या फिर कुछ दिन पहले और एक टेंपल विजिट किया वो बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट हो चुका है, अंदर में जितना सारा शिवलिंग वगैरह है, मूर्ति है, वो सब हटा दिया गया है। एक सवाल है कि दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। जो वियतनाम में देखा वो टेंपल का हालत बहुत ही ख़राब है, मेंटेनेंस बहुत ही कम हो रहा है, वैसे वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई नहीं जाते वहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए, लेकिन ये जो टेंपल है इसमें अभी भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, पूजा पाठ होता है। तो सवाल ये है मेरा, वियतनाम वाला टेंपल ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, वियतनाम वाला जो टेंपल है उसमें पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन इसमें पूजा पाठ हो रहा है, तो आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो फिलहाल ये वीडियो को इधर ही एंड करते, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो हमेशा करते हो लाइक और सब्सक्राइब वो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए बाय 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 बाय। एक्चुअली आई डोंट नीड दिस हैट आई डोंट नीड, सो हाँ यस You can keep for your driver? No, I have a motorbike, so you can take, no problem. No one use tomorrow? Actually, I will ride motorbike, so
I can't use it. If you want Kumara, you can get it there. Oh, no, it's okay. You can resell it. Okay, bye-bye.